टॉपिक है स्फेरिकल लेंस। जैसे पहले लेंस क्या होता है इसका डिफाइन लिखोगे, तो इट इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, bounded by two surfaces, in which at least one surface must be curved, जिनमें कोई एक सरफेस निश्चित रूप से क्या होगा, कर्व होगा। इट इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द टू सरफेस मस्ट बी व्हाट, कर्व। देखो ये आपका एक स्फेरिकल लेंस है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस, एक होता है आपका प्लेनो कंकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स भी होता है, एक कंकेव हो कंकेव होता है, ठीक है। तो इस लेंस की बात करें इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस कह रहे हैं। इसको किसने, इसके ही सरफेस को सरफेस वन मान लो, ये है सरफेस वन को किसने किसी स्फीयर से ओपन किया होगा, जिस भी स्फीयर से ऑप्टेंड किए होंगे वो स्फीयर का सेंटर होगा, ये इस सेंटर का क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना। इस सरफेस को किसी न किसी स्फीयर से ऑप्टेंड किए होंगे, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, उसका रेडियस है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये मान लो सरफेस वन का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इस स्फीयर को भी ऑप्टेंड किए होंगे किसी न किसी स्फीयर से, इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे हम लोग, और इसका जो रेडियस होगा ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्फेरिकल पार्ट सरफेस टू है, मतलब मान लो ये सरफेस टू और ये है सरफेस वन, ठीक है। मतलब कोई भी लेंस जो होगा उसमें दो सरफेस से वो बाउंडेड हो, और ये भी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट इससे पार करेगा, ठीक है। यहां भी दो सरफेस से बाउंडेड है, एक सरफेस ये है एक सरफेस ये है, यहां भी ये दो सरफेस से बाउंड है, एक ये सरफेस एक ये सरफेस, यहां भी दो सरफेस से बाउंड है एक ये और एक ये। हम लिखा है यहां एटलीस्ट वन ऑफ द सरफेस मस्ट बी कर्व, मतलब दो सरफेस में कोई ना एक सर कोई ना कोई सरफेस जरूर क्या होगा, कर्व होगा। यहां दोनों कर्व है, यहां दोनों कर्व है, यहां एक प्लेन एक कर्व है, यहां दोनों कर्व है, ठीक है। मतलब कोई भी लेंस होगा एक स्फेरिकल लेंस वो दो सरफेस से बाउंडेड होगा, जिनमें कोई एक सरफेस निश्चित रूप से क्या होगा, कर्व होगा, ठीक है। विघटन की किसका इस कन्वेक्स लेंस को बाय कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस, ये इसी का नाम है बाय कॉनकेव लेंस भी नाम है। कॉनकेव लेंस को एक और नाम से जानते हैं डायवर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस को एक और नाम से जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसे कहते हैं प्लेनो कॉनकेव, इसे कहते हैं कॉनवेक्सो कॉनकेव,
ये तीनों जो पढ़ाए आपको है वो है टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस, ये तीनों टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस में आएगा। इसके भी तीन टाइप होंगे, तीनों कॉनकेव लेंस का टाइप कॉनकेव लेंस सिंपली में कहो या डाइवर्जिंग लेंस, ये फेनो कॉनकेव कहो या कॉनकेव स्क्रू कर सकते हो, ये भी कॉन्वेक्स को कॉनकेव, ये तीनों कॉनकेव लेंस के ही टाइप में शामिल हो। टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये तीनों टाइप किसका होगा, कॉनकेव लेंस का मतलब डाइवर्जिंग लेंस का, ये तीनों टाइप है कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस का। चलो देखो नेक्स्ट फेज, टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ओके नहीं अंदर टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ही होगी, उसकी में भी तीन टाइप होंगे, एक बेसिक होगा टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। फर्स्ट सब जानते हो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसी को हम लोग कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहेंगे। दूसरा है एक ये लेंस, तीसरा इसका शेप भी जस्ट वैसे ही बनता है, बस अंतर इतना ही है तो वहां पर इस टाइप से हम लोग इसको ज्यादा किए थे, इसको और कहीं किए थे, ठीक है, दोनों बाकी सब कुछ लगभग सेम है, ठीक है। ये किसका नाम था, ये कन्वेक्स बन गया था, आ चुके हैं। तीन टाइप का लेंस है कन्वेक्स, इसे कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स, इसे कहेंगे कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स।
टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में आएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस सिंपली। नेक्स्ट पे लिखोगे टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल लेंस, टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कन्वेक्स लेंस है, डिफाइन लिखाने का हमने डिफाइन प्रॉब्लम के अंदर पढ़े ही है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये क्या होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर। इस सरफेस को जिस भी स्फेयर से ऑब्टेन किए होंगे उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस कहेंगे C1। ठीक है, ये सरफेस मान लो S1 है, सरफेस 1 है ये, सेकेंड सरफेस ये है। इस सरफेस को भी किसने किसी स्फेयर से ऑब्टेन किए होंगे, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसके सेंटर को दिखा रहे हैं किससे हम लोग, C2। इस सरफेस का नाम दिए हम लोग क्या, S2। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन पास करेगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कोई भी लेंस जो होता है उसको ऑब्टेन करने के लिए आपको दो सरफेस चाहिए, इसमें एक सरफेस निश्चित रूप से क्या होगा, कड़ा होगा। इसे हम लोग कौन सजेस्ट कहेंगे, तो एक्स एक्स डैश को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करेगा तो डेविएशन नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर जिसको दिखाते हैं वो से है, वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर इज दैट पॉइंट थ्रू विच नो डेविएशन टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। ठीक है, उसके बाद इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका डिस्टेंस जो होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे अभी R1 कहते हैं, और इस सरफेस से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है वो क्या है, R2। ठीक है, सब फिगर ड्रॉ कर लीजिए। इसका दो सरफेस S1 S2 सरफेस का नाम है, S1 क्या यहां पर है, सरफेस 1 है, और S2 क्या है, सरफेस 2, जिससे वो दोनों मिलकर के एक लेंस को बनाया है। और वन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और R2 भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। R1 एंड R2 बोथ आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में थोड़ा सवाल सिखा देते हैं आपको,
कुछ एक्स्ट्रा है ध्यान रखिएगा, नोट पे कितने पास में वीडियो पॉज करो। कन्वेक्स लेंस को जितना थिक शो कर रहे हैं उतना थिक होता नहीं, ये ऑप्टिकल सेंटर भी पता नहीं है। बोलिए कनकेव अगर होता मिरर तो इस पॉइंट क्या कहते हैं, इस पॉइंट को फोल्ड करते हैं, फोल्ड वन मान लेंगे इसको। ये भी कनकेव होता तो इस पॉइंट क्या कहेंगे लोग, फोल्ड टू कहेंगे। ठीक है, जस्ट इसका बोलिए क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी वन हो गया, फर्स्ट है ना, ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, ध्यान देना से इंपॉर्टेंट है। डिफाइन करना ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन एक तो हम लोग किए इस तरह से कि द पॉइंट थ्रू विच नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, जो क्लास 10th में लोग पढ़े थे। ऑप्टिकल सेंटर का एक्चुअल डिफाइन क्या है इस पर बोल देते, मान लिया जाए कोई इंसिडेंट रे इसमें इन किया, इन करने के बाद बोलो ये क्या करेगा, डेविएट करेगा नहीं करेगा, करेगा डेविएट किया कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का काम कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट को इधर जाएगा कब होगा किधर जाएगा कब होगा, ये कन्वेक्स लेंस का काम कन्वर्ट करना है ना, इधर जाएगा तब कन्वर्ट होगा, किधर आएगा इधर आएगा तो कन्वर्ट होगा। तो बोलिए ये फिगर सही है, ये सही है, दोनों कौन सही है, ये सही है, ये रिवर्स कर रहा है ना और फैला रहा है इसको, इसका मतलब ये फिगर सही नहीं है, समझा दिया मैंने, मतलब ये फिगर सही है, ये कन्वर्ट करने के कारण ये इस तरह बेंड किया और बेंड इस तरह से किया कि पहला रे कहां से पास कर गया, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। ठीक है, उसके बाद यहां तो मीडियम चेंज कहीं नहीं किया, अंदर ग्लासी है थोड़ा, ये पूरा स्ट्रेट जाएगा, चला गया स्ट्रेट, अंदर में बेंडिंग क्यों नहीं हुआ, चूंकि मीडियम से है, मीडियम चेंज यहां से यहां नहीं किया है, बेंडिंग यहां हो गया ना। अब इसके बाद फिर बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा ऐसे जाएगा कि ऐसे सोच के बोलोगे कन्वर्ट करा ले तो ये इधर की ओर मुड़ गया, क्या आई वन ये इंसिडेंट रे वन हो गया, इस रे को कहेंगे इमरजेंट रे कहेंगे, नहीं कहेंगे, जो रे लेंस के बाहर निकला ग्लास स्लैब से बाहर निकला उस रे को इमरजेंट रे कहते ना, क्या यहां इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे ध्यान से देखा जाए तो आपस में पैरेलल है या नहीं है, देखो तो बिल्कुल पैरेलल है। तो कहता है इसका डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर का, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसे पॉइंट को कहेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर क्या कर रहा है, काट रहा है, कब, जब एक ऐसा रे ऑफ लाइट लेंगे इंसिडेंट जो रिफ्लेक्ट करने के बाद उससे जो इमरजेंट रे मिलेगा वो उससे क्या हो पैरेलल, मतलब कोई इंसिडेंट रे अगर इमरजेंट रे के पैरेलल है किसी लेंस के पास किए तो तब उस समय अंदर में वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद ऑफ जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट आपका क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, मतलब यू हैव टू टेक दोज इंसिडेंट रे विच व्हेन पासेस थ्रू ए कन्वेक्स लेंस रिफ्लेक्ट एंड नाउ बेंड इन सच ए वे दैट द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे, देन दैट पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर कौन कटेगा, रिफ्लेक्टेड रे कटेगा, कब, जब कोई ऐसा पैरेलल इंसिडेंट रे का और इमरजेंट रे का जो आपस में क्या हो पैरेलल, पैरेलल होगा तब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो जहां कटेगा उसी पॉइंट को क्या कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। डिफाइन इट इज ए पॉइंट एट विच ये कौन रहे रिफ्लेक्टेड है ना, एट विच रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेप्ट, एट विच द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेप्ट ए
एट विच द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेप्ट द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन वी इंसिडेंट दैट रे ड्यू टू विच इमर्जेंट रे बिकम पैरेलल याद रहेगा। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है, जहां पर रिफ्रैक्टेड रे कटेगा। कब? जब इंसिडेंट रे इसके और पैरेलल इमर्जेंट रे के। फिगर ड्रॉ कर लोगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है जो किसी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, वो भी लिखा देते हैं। चलिए एनओटी नोट लिख के पॉइंट लिखो। ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स द ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ लेंस ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ लेंस इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज। मतलब क्या इसका हुआ? देखो, दैट इज OP1 बाय OP2 इक्वल टू OP1 by OP2 is equal to P1C1 by P2C2 equal to R1 by R2। मतलब क्या? देखिए, ऑप्टिकल सेंटर कैसा पॉइंट है जो डिवाइड्स कर रहा है किसको? ये क्या है? थिकनेस ऑफ लेंस है ना। थिकनेस ऑफ लेंस क्या कहेंगे हम? यहां पर पूछेगा आपसे P1 P2।